जब हम रेज्यूमे कहीं भेजते हैं तो उसके साथ एक ऑप्शन होती है कि आप कवर लेटर भी भेजें, और ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, वी शुड ऑलवेज टेक दैट ऑप्शन. अगर आप इवन ऑनलाइन अप्लाई करें जैसे ब्राइटस्पायर के ऊपर या rosie.pk के ऊपर करें, तो उनके पास भी ये होता है कि आप इधर रेज्यूमे सबमिट करें और इधर कवर लेटर करें. डोंट स्किप इट. ये ना सोचें कि रेज्यूमे में लिखा तो है सब कुछ, अब कवर लेटर में लिखने की क्या ज़रूरत है. नहीं, वो इम्पॉर्टेंट है और वो उसमें डिफरेंट तरह से आपकी पर्सनैलिटी और आपके इंटरेस्ट और एबिलिटीज शो कर सकती हैं बनिस्बत एक रेज्यूमे के जिसमें कि बुलेटेड और ज़रा सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन होती है. और इसीलिए जैसे इंटरव्यू में एक और तरह आपकी पर्सनैलिटी सामने आती है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव डिफरेंट फंक्शंस और इसमें से किसी को आपको स्किप नहीं करना चाहिए, इन सबको आपको सीरियसली लेना चाहिए. कवर लेटर लिखने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, ज़ाहिर है आप अपना तारुफ कराएं और अपने रेज्यूमे का हवाला दें कि मैंने रेज्यूमे भी इसके साथ अटैच्ड है और इस पोजीशन के लिए अप्लाई की है, वो आप थोड़ा सा बताएंगे. और ये जो है उसको इजाफी मालूमात दे रहे, सप्लीमेंट कर रहे रेज्यूमे को, उसको रिपीट नहीं कर रहा, तो वो वाली चीज़ें आपने दोबारा से नहीं कहनी. इसमें कुछ ऐसा आपने करना है कि ताकि एम्प्लॉयर ये सोचे कि चलो इसको मिलते तो हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, एंड देन वी कैन डिसाइड. सो ये दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप जो आपने एम्प्लॉयर को पुश करना है थ्रू द कवर लेटर. और उसमें जो भी आपकी रेलिवेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, क्योंकि ये नैरेटिव है, इसमें बुलेट पॉइंट्स नहीं है, फैक्ट्स उस तरह से फैक्ट बेस्ड है लेकिन नैरेटिव है, थोड़ी सी इसमें कहानी की गुंजाइश है, तो इसलिए इसमें आप अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को ज़्यादा शो कर सकते हैं, बट ओनली द रेलिवेंट वंस फॉर द पोजिशन. और उसमें आप ये भी शो करें कि आपने उनकी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया है, उसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और बताएं कि जी आपकी ये नीड्स हैं और मेरे अंदर ये स्किल हैं एट्सेट्रा. उसके अलावा लाइक आई सेड कि रेज्यूमे वाली चीज़ों को आपने रिपीट नहीं करना, और जो चीज़ नहीं है उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर उसमें उन्होंने कहा है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की भी कोई कुछ एक वन ऑफ द मैनी स्किल्स इज़ दैट एज वेल, तो डोंट से कि मेरे पास है स्किल, बट डोंट से कि मेरे पास नहीं है आइदर. मेक अ प्लान टू लर्न इट, मेक अ प्लान कि मैं कैसे इसको गैप को फिल करूँगा या करूँगी, लेकिन ये कि उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है. आपने झूठ भी नहीं बोलना, लेकिन खामखा अपनी बुराइयाँ भी हाईलाइट कर करके बताना इज़ नॉट अ स्मार्ट मूव. पॉइंट टू योर स्ट्रेंथ्स एंड हाउ दे मेक यू अ गुड फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन को आप स्टडी करेंगे तो ही आप ये बता सकते हैं. मैंशन वॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्ट यू इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पोजिशन. डोंट जस्ट मेक इट लुक लाइक कि आप काम ही ढूंढ रहे हैं, तो कोई भी काम मिल जाए तो आप करने को तैयार हैं. मेक इट लुक लाइक कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और आपको आपने इसको स्टडी किया है और इस काम में आपको इंटरेस्ट है, नौकरी सिर्फ लेने में इंटरेस्ट नहीं है. और अपना एक पर्सनल नैरेटिव की भी गुंजाइश होती है उसमें, तो आप अपने बारे में भी थोड़ा सा बताएं. जैसे आप ये कह सकते हैं, आई थ्राइव ऑन चैलेंजेस, वेदर इट्स ट्रबल शूटिंग टू मैक्सिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन एट वर्क और पैराग्लाइडिंग ऑन अ वेकेशन. तो इसमें आपने ये भी बता दिया कि आपको घूमने फिरने का और पैराग्लाइडिंग का और रिस्क टेकिंग का शौक है, और ये कि आप चैलेंजेस को लेना पसंद करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपकी पर्सनैलिटी की झलक है, इससे उसके दिमाग में एक इमेज बनी है आपकी. सो दैट इज़ वन थिंग. हर चीज़ जो भी आप लिखेंगे किसी को दिखाने के लिए, स्पेलिंग्स और ग्रामर के एरर्स आपने देखने ही हैं. छोटे छोटे पैराज बनाइए, लंबे लंबे नहीं, 3-4 पैराज शुड बी इनफ, बहुत है तो 5. और ये इसको आपने जगह पुर करने के लिए रिपीट ना करें. अगर आपके 3 पैराज नहीं बन रहे तो 2 ही बना लें, लेकिन ये कि या 5 नहीं बन रहे तो 4 ही बना लें, बट डोंट रिपीट थिंग्स, ट्राई टू कम अप विद न्यू थिंग्स. और जॉब टाइटल आपने बता दिया, अपना नाम बता दिया. इसके अलावा इसके और आपको टेम्पलेट्स जो हैं auhudson.com के ऊपर आप देख सकते हैं कि कवर लेटर्स कैसे लिखे जा सकते हैं. एक जो कॉमनली एक गलती की जाती है किसी भी रेज्यूमे के बनाने में, कवर लेटर के तैयार करने में, वो हम सब करते हैं, और लेकिन ये कि इट्स समथिंग वेरी इजीली अवॉइडेबल कि अगर कल डेडलाइन है तो हम आज रात को बैठेंगे उसको लेके. वो उस वक्त जो है द माइंड फंक्शंस डिफरेंटली, उस वक्त आपके पास ये फुर्सत या ये मेंटल स्पेस नहीं होती कि आप सोचें कि अच्छा मैं और कोई अच्छा सा फॉर्मेट देखूँ, मैं कोई अच्छे ऑप्शंस देखूँ, मैं अपना पर्सनल नैरेटिव इसमें कैसे ऐड करूँ. तो कोशिश करें कि डेडलाइन से पहले उसको आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करें. जैसे आपने अगर 4 दिन पहले शुरू किया है, उसका एक ड्राफ्ट बनाया है, तो अगले दिन आपका दिमाग उसको प्रोसेस करता रहेगा, एंड देन इट विल कम अप विथ न्यू थिंग्स टू ऐड टू इट. बनिस्बत इसके कि आप आखिरी दिन करें और उसको सबमिट कर दें, देन यू डोंट हैव टाइम टू ऐड मोर थिंग्स टू इट, जिस वक्त कि आपका दिमाग उसमें इंगेज होगा, लेकिन आपको बाद में ख्याल आएगा ओहो ये भी लिख सकता था, ये भी ऐड कर सकती थी. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि बिल्कुल आखिरी रात पे ना करें. अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल शो ऑफ अबाउट दैट कि ओ मैंने तो बस आखिरी दिन, मैंने तो 2 घंटे में करके भेज दिया. इसमें कोई शान की बात नहीं है. जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो मैटर करती हैं, उनको आपको सीरियसली लेना चाहिए,
और उस पर टाइम लगा के करना चाहिए. देर इज़ नो प्राइड इन डूइंग इट इन अ स्लिप शॉर्ट मैनर, उल्टा सीधा जल्दी जल्दी करने में कोई प्राइड की ज़्यादा बात नहीं है. एक ये एग्जाम्पल हमने रखा हुआ है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. ये एक शख्स हैं जिन्होंने एक लेटर लिखा है किसी को लिंक्डइन के ऊपर, कोई ये जो हेड हंटर्स होते हैं जो जॉब सीकर्स को एम्प्लॉयर से कनेक्ट करते हैं उनको इन्होंने ये ईमेल लिखी है और इसमें उनको कहा है कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ इस तरह के कामों में, आपके पास जो हैं लोग जो एम्प्लॉयर्स हैं वो किस तरह की जॉब्स हैं और आप मुझे उनसे कनेक्ट कर दें. इसमें एक दो चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं. उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से आप अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट बताएं, और इन्होंने बताया है कि आई एम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर एंड ट्रबल शूटर एबल टू नेविगेट द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इट्स डिमांड्स. तो ये यूनिक सेलिंग पॉइंट आप अपना बता सकते हैं. इस तरह उन्होंने एक अचीवमेंट इसके ऊपर बताई है जो ये US डॉलर्स में अमाउंट लिखी हुई है, तो कि इतने मैंने पैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेव करने में मदद दी. सो दीज आर थिंग्स दैट यू कैन सॉर्ट ऑफ हाईलाइट अपने कवर लेटर के अंदर. यूनिक सेलिंग पॉइंट आप बताएं और अपनी कोई अचीवमेंट है जो आपने खास काम किया वो आप बता सकते हैं. अगेन डोंट मेक थिंग्स अप, वॉट एवर इज ट्रू प्रेजेंट इट, और जितना सच है उतना ही सच बताएं. जो चीज़ आपने, इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ अ टीम दैट केम अप विद एन इनोवेशन, से दैट आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ टीम दैट केम अप विद दिस इनोवेशन. डोंट मेक इट लुक लाइक यू डिड इट अलोन. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं एंड वी होप यू इन्जॉय एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस दैट कवर लेटर्स गिव टू यू टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन द बेस्ट लाइट.